अब नाश्ता करेंगे, जा रहे हैं चूड़ा लाने के लिए, अजवाइन कितने आएंगे, खूब समय पहने में की था देखे। बनाएंगे खाना, पूरी सब्जी बनाएंगे। अरे हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल पर गाइस। ये फिर एक नए वीडियो में आपको स्वागत है गाइस। फिर से मैं अभी जा रहा हूँ पुराने वाले रूम पे जहाँ पे हमारे जीजा सब रहते थे, और क्योंकि ये आरो जो सेट किया है ना तो उसमें बहुत सारा चीज़ वहाँ पर रह गया है, तो ये हिंच लेके जा रहे हैं, उसको खोल के निकालेंगे और फिर ला के यहाँ पर लगाना है मुझे, और तार भी लेना है। इधर बोर्ड नहीं है, यहाँ पे बोर्ड है तो लेना है, 4-5 मीटर तार लेना है, तभी जाके हो पाएगा इधर से उधर। और एसी का भी गज, ये एसी भी है, इसका भी प्लग, ये जो वायर है तार जो है जो छोटा पड़ रहा है, यहाँ पे प्लग है काफ़ी दूर है तो वो छोटा पड़ रहा है, इधर भी है एक तो छोटा पड़ रहा है, तो उसके लिए भी 2-3 मीटर लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा मुझे, तो उसके लिए मार्केट जा रहे हैं अभी, और फिर मार्केट से आते हैं तो दिखाएंगे। जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ पे पहुँच गया अभी, अब नलका से वो निकाल लेते हैं, यही निकालना है मुझे, ये वाला निकाल लिया है, यही आरओ के लिए मुझे चाहिए था, यहाँ पे निकाल लिया, अब ये लगे नलका लगा देते हैं, मुझे ये चाहिए था आरओ का, ये निकाल लिया, अब चलते हैं वहाँ पे लगाना पड़ेगा इसको, पहले मार्केट से ले लेते हैं तार ले लेते हैं फिर चलते हैं। आज अभी रूम पे पहुँच गया सारा सामान लेके, देख लो गाइस, ये गाइस देख लो, ये तार लाए, ये आरओ के लिए है और ये एसी के लिए है, यहाँ से लगाएंगे। टेप टेप भी ला लिए हैं, टेप लाए हैं, ये आरओ के लिए लाए हैं, देख लो आरओ के निकाल के यहाँ पे मेम्ब्रेन चेंज कर रहे हैं, ये वाला मेम्ब्रेन लगेगा, नया लाए हैं, ये वाला मेम्ब्रेन लगाएंगे इसमें, लगाकर सही करके फिर लगाते हैं, देखते हैं हो पाता है या नहीं, हो जाएगा। हाँ गाइस, ये तो सेट कर दिए हैं, अब इसको इंस्टॉल करना है, वहाँ पर लगाना है, तो अब यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर रखना पड़ेगा, फिर यहाँ इसमें लगाना पड़ेगा, वो करते हैं उसको यहाँ पर रख के और फिर लगा दिए आरओ, सक्सेसफुली हो गया है सारा कुछ, पानी भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिख रहा होगा अभी, मेम्ब्रेन इसका चेंज किया है, पानी आ रहा है। अब एक वायर जो है वो वायर को अब इधर से लगाना पड़ेगा, क्लिप क्लिप मार देंगे वो वायर डाल के इधर, तो सही हो जाएगा, डन गाइस। इधर ये एसी का भी कंप्लीट हो गया वायर गाइस, अभी काम वाम ख़त्म होने के बाद सो गए थे, अभी सो के उठे हैं, 5:31 हो गया है, अब नाश्ता करेंगे, जा रहे हैं चूड़ा लाने के लिए, भुजा बना के खाएंगे अभी, तो चलते हैं गाइस, ये नीचे में जस्ट साइड में थोड़े दूर जाएंगे तो मिल जाएगा, चलते हैं, जाएगा है पंकज। आज ये रहा चूड़ा, ये मिर्ची ला लिया, मिर्ची कम था ही नहीं मतलब, तो ये चूड़ा है, ये मिर्ची है, अभी जलाते हैं गाइस, देख लो गाइस, मस्ती में चूड़ा भूज रहे हैं, लेके आए थे, प्याज कट गया है, पंकज अब काट रहा है मिर्ची, शाम को ऐसे ही नाश्ता वास्ता कुछ कुछ अलग अलग वैरायटी का बनते रहता है, कुछ तो खा के जीना है ना। गाइस गए थे मार्केट, बहुत पहले ही गए थे, 2 घंटा ऐसे गए थे, घूमने के लिए गए थे, बट घूमने के लिए जा रहे थे तो ले लिए थे, थैला भी ले लिए थे, ताकि उधर घूमते लेट हो जाएगा तो सब्जी वगैरह भी लेके उधर से चले आएंगे, तो अभी आ गए हैं रूम पे और आपको दिखा देते हैं, सब्जी वब्जी लेके आ गए हैं गाइस, देख लो ये तेल रहा, और ये तो ब्लूटूथ है, डाउन हो गया, बहुत सारा सब्जी वगैरह लेके आए हैं, अभी बनाएंगे खाना, पूरी सब्जी बनाएंगे, सब्जी में बनाएंगे परवल, परवल बनाएंगे, परवल आलू सब्जी, उसके बाद पूरी बनाएंगे। जीजा दही ला लिए, दही के साथ आटा उसको सानेंगे मिक्स करके, सब्जी बनेगा,
कैसे बनाएंगे आपको भी दिखा देंगे, आटा कैसे सानेंगे दही के साथ। तो ठीक है गाइज, देख लो गाइज इतना सारा ले लिए, सारा ख़त्म हो गया था सब्जी वगैरह। तो गाइज ये तो सेंक दिए हैं फ्रिज के अंदर, नीचे में रख दिए हैं प्याज आलू, इसके नीचे रख दिए ये टमाटर है, सब्जी रख दिए हैं। तो परवल अभी सब्जी बनाएंगे इसको, ये लहसुन छिल रहा है, क्या कहते हैं हम ही छिल रहे हैं थोड़ा वीडियो भी बना रहे हैं, छिल भी रहे हैं। तो इधर पंकजवा छिल रहा है, ये टमाटर है, ये पंकजवा है, ये जिजवा है, ये इधर परवल उबल कट रहा है, जीजा जी बना रहे हैं पूरा। और नवीन जी को दिखा देते हैं, नवीन जी आटा सान रहे हैं, तो इसमें डलेगा क्या सब अभी दिखाएंगे। ये आटा सनेगा, आटा जो सनेगा इसमें ये घी डालेंगे, दही भी डालेंगे, घी अभी दो चम्मच घी, ये पानी है और दो चम्मच घी डाल दिया, ये अजवाइन है, ये अजवाइन है, दही है, इसमें आटा सनेगा अभी, ये काला नमक भी डालेंगे इसमें हल्का सा, पूरी छनेगा, मटेरियल बहुत सारा इसमें डालेंगे अभी, देखते हैं इसमें दही डालो, पहले ये सब डाल देते हैं ना, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। घी डाल दिया, अब ये दही डला रहा है इसमें, लास्ट में आटा डालेंगे इसमें, पहले इन लोग ये सबको डाल के पहले ये सब मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद आटा डालना ही नहीं गाइस, दूसरे पर गज, ये अजमाइन है, ये अजमाइन डाल लेगा इसमें, की कर चुका है अब, रीडिंग दा के समझा दो बस, अब इसमें क्या डालेंगे, नमक नमक डालते हैं, सारा नमक डाल दे, ठीक है नमक, ठीक है भाई साहब, अब इसी का पूरी बनेगा। इसमें आटा डालेंगे, अब आटा डालो, बार देख रहे हैं इस तरीका से बनते हुए, ये नया तरीका है, पूरी बनाएंगे ये सब सान के, इसमें पहले आटा डाल के पूरा सान के फिर से, ये पंकज टमाटर काट रहा है, अब आटा मिक्स कर रहा है, देख सकते हैं पूरा, ये गाय छुलका छुलका भी है गाय, आटा मिक्स कर रहे हैं, सारा कुछ डाल के, अजवाइन उजवाइन दही घी, अब इसका बनेगा गाय, हम और पंकज मिलके सब्जी बनाएंगे, अभी फ्राई चलेगा, ये पहले किसको फ्राई करोगे, परवल के पहले फ्राई करेंगे, तेल इसमें डाल चुके हैं, हीट हो रहा है, परवल फ्राई करेंगे, फिर आलू फ्राई करेंगे और उसके बाद सब्जी बनाएंगे, आटा सन रहा है तो बनाएंगे गाइस, गाइस नवीन आटा सान दिया था, अब यहाँ हम इसको बेल के और ये कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और कचौड़ी बनाएंगे, इसमें तेल डाल देते हैं, वैसे हीट हो गया, अब ये इसमें तेल डाल के हीट करेंगे, अभी कचौड़ी आप गाइस ये बड़ा हो गया था, उसको कटिंग कर दिए हैं बीच से, अब दो भाग बना दिए इसका, गाइस खाना मेरा बन गया, सब्जी भी बन गया, कचौड़ी भी बन गया, सारा खत्म हो गया, बन गया सब कुछ, आप चलते हैं खाने के लिए, चलो लेके चलो, गाइस अभी हम लोग खाना अभी खत्म किए, खाना तो काफी टेस्टी था, टेस्टी बना हुआ था काफी, गाइस जा रहे हैं अभी सोने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस।